तरह के नोटिस हुए हैं, क्या मामला था अगरपुरा? देखिए 24 दिसंबर 2016 को कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने मिल करके माननीय महामहिम राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था। उस आरोप पत्र में लिखा गया था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रदेश कांग्रेस सरकार के विरुद्ध सौंपा गया आरोप पत्र, जिस आरोप पत्र में हमारे मुवक्किल व वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी पर भी गंभीर और झूठे आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुवक्किल श्री जगत सिंह नेगी जी ने 2017 में सीजीएम किन्नौर के पास एक प्राइवेट कंप्लेंट की थी, जो सेक्शन 499 और सेक्शन 500 आईपीसी के तहत की गई थी। जब सीजीएम किन्नौर ने इस मामले को सुनवाई की, सुनवाई के वक्त सीजीएम किन्नौर ने केवल एक व्यक्ति के खिलाफ समन इशू किया, वो व्यक्ति थे एक्यूज नंबर 10 श्री तेजवंत सिंह नेगी जी, और बाकी 1 से लेकर 9 एक्यूज जो कि बहुत प्रतिष्ठित और कानून के ज्ञाता व्यक्ति थे, उनके खिलाफ जो है समन नहीं किया गया। इस विषय को लेकर के, इस आदेश को लेकर के हमने, हमारे मुवक्किल ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। लगभग 1.5 महीने की सुनवाई के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय ने 9 का 9 व्यक्तियों को नोटिस किए हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी है, दूसरे नंबर पर श्री सतपाल सती जी है, तीसरे नंबर पर सुरेश भारद्वाज जी है, चौथे नंबर पर ठाकुर महेंद्र सिंह जी है, पांचवें नंबर पर श्री रविंद्र सिंह रवि जी है, छठे नंबर पर डॉक्टर राजीव बिंदल है, सातवें नंबर पर श्री जयराम ठाकुर जी है, आठवें नंबर पर श्री विपिन सिंह परमार जी है, नौवें नंबर पर श्री रणधीर शर्मा जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस किए हैं और इन सभी को कहा है कि आप आकर के अपना पक्ष रखें। धन्यवाद। नोटिस होने के बाद अगले जो आदेश आने हैं, अगला जो सुनवाई होनी है इस केस में, वो रिटर्नेबल 2 हफ्ते बाद के लिए रखा है माननीय न्यायालय ने। धन्यवाद।